फेमस एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे बेहद खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं अपने पति प्रदीप शर्मा के साथ। बता दें आपको कि 14 अगस्त साल 1986 में पद्मिनी कोल्हापुरे शादी के बंधन में बंधी थी। वहीं आज भी इस प्यारे से कपल का प्यार बरकरार है। कहा जाता है कि परिवार के खिलाफ जाकर पद्मिनी कोल्हापुरे ने इस शादी को रचाया था और आज भी इस प्यारी सी जोड़ी का प्यार बरकरार है। आज के समय में पद्मिनी और प्रदीप शर्मा के बेटे हैं प्रियांक शर्मा, जो एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। तो वहीं बीते पिछले साल प्रियांक शर्मा भी शादी के बंधन में बंधे हैं। जहां एक ओर पद्मिनी ने काफी सुर्खियां बटोरी अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में पद्मिनी ने खुलासा किया है कि आखिरकार उन्होंने टूटू शर्मा से शादी क्यों की। जी हाँ दोस्तों, टूटू शर्मा प्रदीप शर्मा है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदीप शर्मा को फिल्म इंडस्ट्री में टूटू शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। पद्मिनी ने शादी के सालों बाद खुलासा किया कि आखिरकार उन्होंने प्रदीप से शादी के 35 सालों बाद खुलासा हुआ है कि आखिरकार पद्मिनी मशहूर हस्ती प्रदीप शर्मा के साथ शादी के बंधन में क्यों बंधी। आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, ये वीडियो है फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो का। जी हां, द कपिल शर्मा शो में जब पद्मिनी बतौर मेहमान बनकर पहुंची थी, उस दौरान पद्मिनी से कई सवाल पूछे गए थे। तो वहीं कपिल शर्मा ने पद्मिनी से एक और सवाल किया और उन्होंने पूछा कि आपके बारे में एक अफवाह थी जिसे लेकर हमने सोचा कि आप आएंगी तो आप ही से पूछेंगे। एक फिल्म थी ऐसा प्यार कहां, जिसके निर्माता टूटू शर्मा जी थे। कहा जाता है कि उन्होंने आपकी पेमेंट नहीं दी जिससे गुस्से में आपने उनसे शादी कर ली। तो वहीं पद्मिनी कहती हैं, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये कहां सुना था आपने, ये अफवाह नहीं है बल्कि सच है। मैंने सोचा था कि चलो उनसे शादी ही कर लेती हूँ। उनकी इन बातों को सुनकर शो की जज अर्चना पूरन सिंह भी हंस पड़ती हैं और कहती हैं कि शादी करके बदला लिया। वहीं पद्मिनी कहती हैं, बिल्कुल बदला लिया, पहले शादी करने मैंने बदला लिया और अब वो मुझसे बदला ले रहे हैं। और इस तरह से पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपनी शादी को लेकर ये बड़ा खुलासा किया, जिसे जानकर सभी हैरान तो हुए लेकिन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली। जी हाँ, पद्मिनी कोल्हापुरे जब कपिल शर्मा के शो में पहुंची तो वह भी कपिल शर्मा की तरह हंसती मजाक करती हुई नजर आई। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।